वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने फोन से सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर अपना बायोडाटा या आपको किसी अपने परिवार के फैमिली मेंबर का बनाना हो बायोडाटा या दोस्त का बनाना हो तो आप सिर्फ 2 मिनट के अंदर अपने फोन से बना सकते हैं। यहाँ पर एक ऐप के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस ऐप में पहले से कुछ टेम्पलेट पहले से तैयार मिल जाएगी, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। ये यहाँ पर एक बाय डिफॉल्ट डिटेल भी मिलेगी आपको एक कैंडिडेट की, आप इसको चेंज कर लीजिएगा। आपको बस एडिट करना है नाम वगैरह और बाकी ये जो फ्रेम है ये सेम ही रहेगी। आप फोटो और डिटेल यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आपको देखिए यहाँ पर कई टेम्पलेट मिल जाती है, जो टेम्पलेट आपको यूज करनी हो वो यहाँ पर कर सकते हैं आप। ये देखिए सारी की सारी फ्री है, ऐसा नहीं है किसी का पेमेंट आपको करना पड़ेगा, सबकी सब फ्री है। तो कैसे आप अपने फोन से 2 मिनट के अंदर अंदर बायोडाटा बना सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने फोन के प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है मेरिज बायोडाटा मेकर। इस प्रकार से जब आप सर्च करेंगे तो ये वाला ऐप आपके सामने ओपन होगा, आपको ये डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कर लीजिए और आपसे कुछ परमिशन अगर मांगे तो उसको आपको अलाउ करना है। तो यहाँ पर इसका पेज ओपन होगा, आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं। एक क्रिएट बायोडाटा का है जिसमें आपको हर एक डिटेल खुद से डालनी पड़ेगी, क्या क्या आप डालना चाहते हैं। और दूसरा है एड सैंपल, इसमें क्या है इस ऐप के द्वारा ही जो बायोडाटा में चीजें दी जाती है नॉर्मली वो सारी आपके सामने आ जाएगी, आपको बस नाम एडिट करना है। तो हम यहाँ पर एड सैंपल करेंगे ताकि हमें ज्यादा टाइम ना लगे। आपके सामने इस प्रकार से ये एक प्रोफाइल पहले से आ जाएगी। आपको सैंपल देखने हो कि बायोडाटा आपका जब बन जाएगा तैयार हो जाएगा तो किस प्रकार से दिखाई देगा, तो यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अभी देखिए यहाँ पर आपके सामने कई सैंपल आ जाएंगे, आप देख सकते हैं आपको जो अच्छा लगे आप वो ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कई आपको मिल जाते हैं टेबलेट, जैसे ये वाला है तो इनमें देखिए सब पर लॉक लगा हुआ है। तो ये अनलॉक कैसे होगा, आपको बस एक बार एड देखना है। एक एड जब आप देख लेंगे तो उसके बाद सारी की सारी ये जो टेम्पलेट है ये अनलॉक हो जाएगी। से हम यहाँ पर देखिए क्लिक कर रहे हैं तो ये बोल रहा है कि अगर आप अनलॉक करना चाहते हैं तो आपको एक सिंगल एड देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर श्योर पे क्लिक कर देते हैं, उसके बाद 20 से 30 सेकंड का एक एड चलेगा। ये एड एक बार देखने के बाद सारी की सारी ये जो टेम्पलेट है ये अनलॉक हो जाएगी। तो वेट करते हैं जब तक ये एड आ रहा है। तो यहाँ पर एड पूरा हो चुका है, इसको हम कट कर देते हैं। अभी देखिए अनलॉक हो चुकी है सारी की सारी टेम्पलेट, एक पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से आपका जो भी बायोडाटा होगा वो आएगा। इसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं, अगर आपको कोई चीज डिलीट करनी हो तो वो आप कर सकते हैं, अगर आपको खुद से कोई चीज नहीं ऐड करनी हो तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेव वगैरह है इसमें कुछ एडिटिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, जो फोटो की सेव है यहाँ पर देखिए राउंड शेप में है, तो इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है इसको अगर सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए फोटो का जो आकार है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। इस प्रकार से अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना हो बैकग्राउंड का कलर तो आप इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। अगर फॉन्ट स्टाइल चेंज करनी हो तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं, ये देखिए फॉन्ट स्टाइल अभी चेंज हो चुकी है। फिर से अगर चेंज करना चाहें तो ये देखिए, तो जो फॉन्ट स्टाइल आपको अच्छे लगे वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये तो एक सैंपल है जो कि इस ऐप के द्वारा दिया जा रहा है, अभी हमें इसमें हमारी डिटेल डालनी पड़ेगी ये चीज हटाकर। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए पेंसिल का आइकन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अभी यहाँ पर आपको अपना नाम, अपना जो भी कास्ट है आपकी, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका ब्लड ग्रुप अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं यहाँ पर देखिए। और अगर इसको डिलीट करना चाहें तो ये डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट करेंगे तो यहाँ से देखिए ये हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो जो चीज आपको नहीं डालनी है, जैसे अगर आप वेट नहीं डालना चाहते तो डिलीट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। एजुकेशन है, बाकी जो भी चीज यहाँ पर डालना चाहें डाल सकते हैं। जो जो चीज हटानी हो वो यहाँ से देखिए डिलीट का आइकन है, इस पर क्लिक करके हटा सकते हैं। अगर आपको कोई नई चीज ऐड करनी हो, आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए ऐड फील्ड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको फील्ड का नाम देना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम सबसे पहले फील्ड का नाम देंगे, जैसे एड्रेस मैंने लिख दिया तो क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ऐड पे क्लिक करते हैं, स्क्रीन काम नहीं कर रही, हो गया। देखिए जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये यहाँ पर एक नई डिटेल आ गई, एड्रेस में आप अपने गाँव का नाम जो डालना चाहें वो डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए एक बार राइट पे क्लिक करके करते हैं तो यहाँ पर ये शो करेगा, देखिए एड्रेस का जो मैंने नाम डाला था वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर से इसको एडिट करते हैं। अगर आपको ऊपर नीचे करनी हो चीजें, जैसे आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ जो आपका धर्म है इससे ऊपर लेना चाहते हैं तो ये देखिए आपका ऑप्शन है, तो ये देखिए डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर ऊपर आ चुकी है। इस प्रकार से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी फोटो आप लगा सकते हैं, नीचे फैमिली डिटेल में आप अपनी अपनी फैमिली की डिटेल डाल दीजिए, ठीक है। और नीचे अदर डिटेल में आप कुछ और चीजें ऐड करना चाहें तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। सारी डिटेल सेव होने के बाद यहाँ पर जो सेव का बटन है इस पर क्लिक कर दीजिए। अभी यहाँ पर देखिए आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर अगर आप पीडीएफ फाइल में इसको सेव करना चाहते हैं तो क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर अलाउ करना है। अभी आपकी जो फाइल है पीडीएफ के रूप में सेव हो जाएगी। अगर आपको इमेज के रूप में सेव करनी हो तो यहाँ पर क्रिएट इमेज कर सकते हैं,
ठीक है। इस प्रकार से आप अपने फोन से ही सिर्फ 2 से 5 मिनट के अंदर अंदर अपना बायोडाटा बना सकते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।